एक करना। मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक सर, मैं भी ठीक, बस दुआएं आपकी। काम वगैरह कर रहे हो? साथ साथ चल रहा है? जी सर, चल रहा है सर, साथ साथ काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बहुत सर। ठीक हो? ठीक हो गया। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस मार्क कर लूं मैं पहले आपकी? सर ये किस चीज का लेक्चर है? आज हमने पढ़ना है बच्चे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर टाइम टेबल में तो मेरे ये कोई क्लास नहीं शो हो रही आज की। मेरे टाइम हमारी प्री कैलकुलस की 10 बजे क्लास होती है जुम्मे वाले दिन। ये कौन पूछ रहा है? मुस्तन सर है क्या? शहजाद जी सर। ओके हो गया, ओके हो गया मैम। मुस्तन सर हो सर, मुझे याद नहीं रहा, बस इसीलिए पूछ रहा। ओके बच्चे, ओके चले, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो बेसिकली है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? इससे पहले हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं, हमने बेसिकली दो तरह के फंक्शन पढ़ चुके हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं और एक हम रैशनल फंक्शन पढ़ के हैं। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस एंड रैशनल फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या थे कि जो आप लीनियर इक्वेशन का क्वाड्रेटिक लिख रहे थे, लेट्स से 4x + 2, या अगर आप लिखते थे f(x) = 3x2 + 2x - 1, या आप लिखते थे लेट्स से f(x) = x3 - 1, तो ये सारे क्या थे? अलजेब्रिक फंक्शंस थे। अलजेब्रिक क्यों कहते हैं इनको? कि इनकी अगर मैं जनरल फॉर्म बताऊं तो a^x, कि इसमें जो a जो है बेस है यहाँ पे, तो अलजेब्रिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें जो a बेस होती है, बेस का एक रियल नंबर होना। ओके, जो हमारी बेस है इसमें, एक सेकेंड मुझे इसकी जनरल फॉर्म लिख लेने का दोबारा से, ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि अगर अलजेब्रिक है तो डेट वुड बी एक्स स्क्वायर, या जनरल फॉर्म लिखे तो x^a होगी। इससे क्या मतलब है कि जो बेस है वो क्या होती है इसमें? वेरिएबल होती है। ठीक है, और जो पावर होती है वो कोई ना कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, पावर को आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं कि जिनमें बेस क्या हो हमारे पास? वेरिएबल हो, और पावर क्या हो इनकी? एक्सपोनेंट क्या हो? रियल नंबर हो। और इस तरह की टर्म्स को अगर आप प्लस माइनस के ऑपरेशंस के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस के साथ अगर आप कंबाइन करके लिखते तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास? अलजेब्रिक फंक्शंस बन जाते हैं।
ये देखें इनमें सब के अंदर बेस जो है वो एक्स ही है और एक्सपोनेंट इन सब के जो है वो कॉन्स्टेंट है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन थे जो हमने पहले पढ़े, जिनके पॉलीनोमियल फंक्शन कह लो या आप उसे पॉलीनोमियल सी, उसमें रैशनल फंक्शन भी थे, लीनियर थे, क्वाड्रेटिक थे, क्यूबिक थे, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके ग्राफ बनाने भी हमने देखे थे, जब रैशनल फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं आप तो वो फ्रैक्शन क्या होते हैं जो ओवर के फॉर्म में लिखे जाए, 1/(x)(-7), ये सारे क्या है हमारे पास x/(x+7), ये सारे क्या है रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन के ग्राफ जब भी बनते थे इनमें किसी एक जगह पे किसी ना किसी जगह पे एजम टोट्स आ रहे होते थे, इसमें क्या थे एजम टोट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते। एजम टोट्स क्या होते, ये वो पॉइंट्स जहाँ पे हमारा फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर देता है। जैसे कि इसमें देखें तो x = -7 पुट करो तो -7 + 7 0, x/0 इंफिनिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस रैशनल फंक्शन में जो एडम टोड है वो x = -7 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ग्राफ में अगर बात करें तो एडम टोड वहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है क्योंकि वहाँ पे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है ना, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन होती थी हमारे पास। इस तरह इसमें दो एडम टोड आपको, इसमें भी एडम टोड मिलेगा, इसमें भी आपको एडम टोड मिल जाएंगे। तो अलजेब्रिक और रैशनल फंक्शंस तो हमारी डिबेट में ऑलरेडी है, इनको हम कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या होगा कि दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं कि वो इनसे डिफरेंट होंगे कि लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सिंपल ये डेफिनेशन है कि वो ए टू द पावर एक्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो बेस है वो हमेशा क्या होगी, बेस इसकी कोई ना कोई रियल नंबर होगा और इसमें जो इसका एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होता है वेरिएबल, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट चीज है कि अलजेब्रिक फंक्शन में बेस क्या होती है वेरिएबल और पावर क्या होती है रियल नंबर होती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर जो बेस है वो एक रियल नंबर है और जो पावर है वो क्या होता है हमेशा एक वेरिएबल होती है। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं एग्जांपल के तौर पे तो f(x) = 2 to the power x या f(x) = 4 to the power x, f(x) = 3 to the power x - 1, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इनमें जो मेन जो चीज आपने देखनी है ये देखें, इसमें पहले बार में बेस क्या है हमारे पास रियल नंबर है, पावर वेरिएबल है, इसमें ही पावर वेरिएबल, इसमें ही पावर वेरिएबल है। तो पावर के वेरिएबल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है जी। और एक और आप पढ़ते हैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज f(x) = e to the power x। तो e टू द पावर x भी जो होता है वो भी बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है क्योंकि e की जो वैल्यू होती है वो भी एक रियल नंबर ही, दैट इज इक्वल टू 2.7 समथिंग होती है, ठीक है। तो इट्स अगेन अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएंगे। तो e की वैल्यू आपको मिल जाएगी, e की वैल्यू क्या है 2.7। तो e भी बेसिकली यहाँ पे क्या है रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। रियल नंबर की अगर पावर वेरिएबल आ जाए तो दैट वुड बी योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस चीज से मिस्टेक नहीं करनी, अगर e की पावर x लिखा हुआ तो फिर ही वो एक्सपोनेंशियल, ऐसा नहीं होता। बेस अगर कॉन्स्टेंट हो वेरिएबल हो, बेस अगर हमारे पास रियल नंबर हो और एक्सपोनेंट वेरिएबल हो तो वो फंक्शन हमेशा क्या कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाएगा। इसके ऑपोजिट अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो अगर हम लिखें यहाँ पे f(x) = x^2 या f(x) = x^4 या f(x) =
3x + 7, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास इस वक्त एलजेब्रिक फंक्शन है, ये सारे क्या है हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शन कहलाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं और अलजेब्रिक क्या होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर, नो। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में और अलजेब्रिक फंक्शन में फर्क क्या होता है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये बेसिकली ग्रोथ रेट को, अगर ग्राफिकली बात की जाए तो ये ग्रोथ रेट को डिस्कस कर लेते हैं बड़े अच्छे से। ग्रोथ रेट से मतलब कि अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही हो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने से क्या मुराद है कि एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद है कि कुछ चीज रैपिडली इंक्रीज कर रही है, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है। इनके ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये बहुत स्पीड से ये ग्रो करते हैं और इनकी इनके जो वाई की वैल्यू है, जो हाइट है, वो बहुत जल्दी इनकी हाइट इंक्रीज होती है। लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं, उनका जो इंक्रीज करने का रेट होता है वो सेम रहता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो रेट है वो सेम नहीं रहता, वो हर स्टेप में उनकी जो ग्रो करने की जो स्पीड है, ग्रो करने का जो रेट है वो इंक्रीज करता रहता है। रेशियो सेम रहती है लेकिन वो इंक्रीज करता रहता है। वो कैसे करता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊँ, कि बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, हम लेते हैं जी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू xk, ये क्या है हमारे पास एक ये एक हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू 2x, एंड एक और चिन्ह ले लें g ऑफ x इज इक्वल टू xk। ये तीन फंक्शन है। अब ये पहला क्या है, इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेरी फर्स्ट जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल, सेकंड वाला जो है ये हमारे पास क्या है यहाँ पे लीनियर, और जो लास्ट वाला है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों बेसिकली उसी के टाइप में आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, यानी कि ये दोनों बेसिकली अलजेब्रिक्स है और इसमें हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल है। इन तीनों को लिखने का पर्पस क्या है, मैं देखें 2 की पावर x है, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर x की पावर 2 हो गई है, तो इन तीनों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उससे आपको ये बता रहे कि ग्रोथ रेट किसमें ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ तो हम ग्राफ बना लें इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको इससे ग्रोथ रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम इनका टेबल बना के देखते हैं कि लेट से हमारे पास है जी, हम टेबल बनाते हैं अगर तो ये हमारे पास उसका टेबल आ जाएगा इधर, ओके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास नेट से ये x है, देर इज एफ ऑफ x, यहाँ पे h ऑफ x आ जाएगा और इधर g ऑफ x आ जाएगा। x की वैल्यू जो है आप अभी पॉजिटिव कंसीडर कर लें, ठीक है जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. अब जब ये x की वैल्यू आप f ऑफ x में पुट करेंगे, यानी कि इसकी जगह पुट करेंगे, लीजिए सर ये जो आपने दिखाया f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, सर ये आपने अपने से सपोज किया, अपने से सपोज किया आपने के ऊपर से फैक्टर से लिए? नहीं, खुद से कैसे सपोज कर सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है ना, आपको ये दो हमने तीन फंक्शन दिए हैं ना, f ऑफ x, h ऑफ x और g ऑफ x, वो तीनों फंक्शन मैंने लिखे हैं। और सर ये वैल्यूज जी, ये वैल्यू आप खुद से कोई भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, अगर आप बनाने के लिए आप क्या लेते हो, नेगेटिव 4 से पॉजिटिव 4, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने वो एक्सप्लेन करना है इन दोनों में डिफरेंस, तो उसके डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने खुद से नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब देखें, जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे 2x के अंदर, तो x की जगह पर जब 0 पुट होगा, तो जब x की जगह पर 0 पुट होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0। और किसी भी चीज की पावर जब 0 हो तो आंसर क्या आता है, हमें मिलता है 1 मिलता है, तो 2 की पावर 0 पे 1 आ गया। उसके बाद 2 की पावर x, 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2, फिर पुट करोगे 2 की पावर x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 का क्या बनेगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, ठीक है, ये 16, और ये आ जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आएगा जी, 256, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया फर्स्ट वाले का, हमने x की जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की पावर 1 ले, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, तो हमें ये f ऑफ x की वैल्यूज मिल गई। अब अगेन वही x की वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, दूसरे फंक्शन के अंदर, कंपेयर करने के लिए कि इसकी वैल्यूज किस तरह से चेंज हो रही है। जब इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0, फिर x की जगह पे यहाँ पे जब 1 पुट होगा तो 2 इंटू 1, 2, फिर 2 इंटू 2, 4, फिर 2 इंटू 3, 6, 2 इंटू 4, 4, 8, जी, 10, 12, 14, And 16, जी सर। अब नेक्स्ट बारे में देखना, इसमें क्या आता है हमारे पास, x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं ना अब हम, तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64। अब ये चेक करो कि ये क्या था, लीनियर था, ब्लू वाला 2x ग्राफ था ना, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ था बेसिकली 2x का, ये हमने लिया है 2 की पावर x के लिए, और ये था हमारे पास x के लिए। इसमें देखें तो जब y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या मरा है, ग्राफ की हाइट, तो इसमें जो ग्राफ की हाइट है वो 2, 2 से इंक्रीज हो रही है, अगर x जो है, x हर एक में वन टाइम चेंज हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, x में जो चेंज है वो वन टाइम है, लेकिन यहाँ पे देखें अगर पहले लीनियर में तो हर जगह पे 2 चेंज है, 2 टाइम चेंज आ रहा है, 2 से 4, 4 से 2, हर एक में 2 टाइम चेंज, इसलिए हर पॉइंट जो है 2 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, और बेसिकली इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है ना हर एक में। तो नीचे वाले में अगर आप देखें तो इसमें 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हर जगह पे सेम इंक्रीमेंट नहीं है, आस्ता आस्ता इंक्रीमेंट बढ़ रहा है लेकिन इसकी तरह नहीं बढ़ रहा। लेकिन जब आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो ये देखें कि इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट इसमें आया है, इसकी 8 के ऊपर वैल्यू क्या है इसकी, 256, लेकिन बाकी दोनों की उससे कम बनी है। जब शुरू में देखोगे तो शुरू में कोई खास चेंज नहीं है, 1 से 2
जस्ट दोनों में एक एक का चेंज आया, टू से फोर में गए तो टू का चेंज आया, फोर से एट में गए तो फोर का चेंज, फोर का तो आस्ता आस्ता चेंज इंक्रीज होता जा रहा है। जितने हम नंबर ऐड कर रहे हैं उतना नंबर का फर्क आ रहा है। हाँ ये देखो आगे जब जाएंगे तो एकदम से वैल्यू चेंज होती है, 32 से 64, 64 से 128, और 128 में 256, तो अच्छी खासी वैल्यू इसकी जो से हम इंक्रीज वैल्यू पुट कर रहे हैं सर वो आगे उसकी वैल्यू हुई जो आगे खुद इंक्रीमेंट हो रही है। वही कि इसमें अच्छा इसमें काफी ज्यादा रैपिडली इसमें वाई की वैल्यू में चेंज आ रहा होता है। और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी रेशियो सेम होती है। रेशियो से क्या मुराद है कि अगर आप इसमें देखें तो इधर वैल्यू क्या है वन, तो इधर वैल्यू क्या है टू, वन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टू, और अगर नेक्स्ट टू वैल्यू को पिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा टू बाय फोर, आगे इन दोनों को पुट करोगे तो फोर बाय एट, एंड एट बाय सिक्सटीन, सिक्सटीन बाय थर्टी टू, थर्टी टू बाय सिक्सटी फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हर एक का आंसर क्या मिलेगा आपको, वन बाय टू ही मिलेगा। इनके जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग हो रहा है, रेशियो क्या मिल रह रही है सेम रह रही है, वन बाय टू, टू बाय फोर, फोर बाय एट, फोर बाय एट जब कैंसिल होगा तो फोर बाय वन, वन बाय टू, हर जगह पे आपको वन बाय टू ही मिलना है, समझ रहे बात। तो ये बाकी इन दोनों में ऐसा सिनेरियो नहीं होगा, इसमें ऐसा सिनेरियो होता है कि इसमें आपको रेशियो क्या मिलती है सेम मिलती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में। ठीक है, एक तो रैपिडली इंक्रीज कर रहे होते हैं और इनकी वैल्यू में रेशियो क्या होती है सेम होती है। बात समझ आ गई यहाँ तक? जी सर आ गई। ओके ओके, मेन जो चीज़ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपको उसकी ग्रोथ का पता होना चाहिए, क्या कि जो सबसे ज्यादा स्पीड में जो जो फंक्शन इंक्रीज करते हैं वो एक्सपोनेंशियल होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ओके, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देखने से ग्राफ किस तरह से बनते हैं, सबसे तेज इंक्रीज होते हैं। हाँ, इनकी ग्रोथ रेट जो होता है इनका सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो इंक्रीज कर रहे हो चाहे वो डिक्रीज कर रहे हो, इनका ग्रोथ रेट हमेशा सबसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे। ओके ठीक है, इसलिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि एक्सपोनेंशियली कोई चीज इंक्रीज कर रही है या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, उसका अदर वर्ड मीनिंग यही होता है, वो जो जो भी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल से मतलब क्या है कि वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ओके सर। ठीक है, ओके, हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो फोर बिल्कुल ग्राफ जो पॉजिटिव वैल्यूज ली है पहले उसी का बनाते हैं। तो ओके, अब अगर हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं तो एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में कलर चेंज कर लेते हैं रेड से ये, तो एफ ऑफ एक्स में क्या मिल रहा है हमें, जीरो पे वन, तो जीरो पे वन ऑलमोस्ट यहीं पे पॉइंट बढ़ेगा, फिर वन पे, जीरो पे वन, वन पे टू, टू पे फोर, थ्री पे एट, फोर पे सिक्सटीन, फाइव पे थर्टी टू, सिक्स पे सिक्सटी फोर, सिक्स पे सिक्सटी फोर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा सेवन पे 128, तो ये काफी ऊपर पॉइंट चला जाएगा।
इसका ग्राफ देखोगे अगर आप तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में इसकी हाइट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन कुछ पॉइंट्स के बाद एकदम से उसकी हाइट वेरी कर गई, एकदम से उसकी हाइट ग्राफ की इंक्रीज कर गई है, ठीक है। लेकिन 4 पे जस्ट 20 पे थी, लेकिन जैसे ही 7 तक पहुंचे तो वो 128 तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये इसका रैपिड एक इसका बिहेवियर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लेकिन इसके ओपोजिट जब आप लीनियर का ग्राफ बनाना चाहेंगे, ये जो एच ऑफ एक्स का जो लीनियर था 2x का, तो वो सिंपल होगा। अगर हम ड्रा करें इसको तो 1 पे 0 है, एक्स 1 पे 0, यानी कि ये पॉइंट होगा, और दूसरा हम ले लेते हैं लेट्स से 8, तो 8 पे क्या है 16 है, तो 16 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, लीनियर है तो हमें पता है कि लाइन बनेगी, जब लाइन बनती है तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट की प्लॉट करने की जरूरत होती है, हम उन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो इसको इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो ये आपके पास एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, तो मैं बाय हैंड ही कर देता हूँ। ये इसकी एक स्टेट लाइन बन जाएगी हमारे पास 2x की, लेकिन ये किसकी थी 2 की पावर x की थी, ठीक है जी। और लास्ट जो है हमारे पास है वो कौन सा जी पैराबोला है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए x स्क्वायर है ना, ये पैराबोला ही काम करता है। तो अगर इसको हम बनाएंगे तो 0 पे क्या ली 0, ये ओरिजिन पे आ जाएगा 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4 और 3 पे 9, 4 पे 16, यहीं पे आएगा 5 पे 25, ये पॉइंट आ गया 6 पे 36, ये पॉइंट आ जाएगा 7 पे 49, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, और 8 पे 64 ये पॉइंट मिल गया। तो इनको जब आप मिलाओगे ये कुछ इस तरह से ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये पैराबोला की जैसे एक साइड ये भाई जो के ये वो तीन अलग अलग फंक्शंस के बने हैं, HFX, HFX एंड GFX के। हाँ दारी बात है, अलग अलग फंक्शन के बना रहे हैं हमें, टेबल जो अलग अलग बनाया है तो फंक्शन भी तो अलग अलग। चलिए रेड x की वैल्यू, ये रेड वाला HFX, रेड वाला कौन सा इसका है बेटा, ये वाले पॉइंट लोकेट किए हैं ना हमने, x स्क्वायर के लिखा भी हुआ मैंने जी जी सर, ठीक है सर। ये पैराबोला का बना, तो इसमें अगर आप देखें तो इनमें सबसे ज्यादा जो 7 तक पहुंचने में सबसे ज्यादा हाइट जो गेन की है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने हाइट गेन की है, जो कि 2 की पावर x था, तो ये उसने सबसे ज्यादा हाइट यहां पे गेन की f(x) में गेन की। ये f(x) है, ये हमारे पास g(x) है, और ये हमारे पास h(x) ठीक है। तो मेन चीज जो हमने जो सीखनी थी वो क्या है कि एक तो इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में ग्रोथ रेट की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। कोई भी दो वैल्यूज को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको हर जगह रेशियो सेम मिलती होती है। दूसरी चीज के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, कट के आ रही है जी सर। ओके, डिस्टॉर्शन भी आ रही है साथ साथ। एक सेकंड,
अब देखें कुछ इम्प्रूव हुई है। जी सर, अब सही है सर, अब सही। ओके तो ओके तो फंक्शन बना लिया हमने, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना हमने सीख लिया, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आपके पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आ गया। और हाँ एक बात और कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो होता है ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। ये जो हमारे पास ग्रीन ग्राफ है, ये ग्राफ देखें तो आस्ता आस्ता वो लग रहा है कि इसकी हाइट नीचे आ रही है, तो जैसे पिछले डेकेड में भी ये एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए, नेगेटिव वैल्यूज देते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट करके नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 की पावर x है, ठीक है, और 2 की पावर जब x होगा तो इसको समझे इस बात को कि अगर 2 की पावर x लिखा हुआ है तो इसमें आपने 2 की पावर 0 पुट किया तो क्या मिल गया हमें, तो 2 की पावर 1 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 2। अगर 2 की पावर -1 पुट करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 किस इक्वल होता है 0.5 पे। 2 की पावर -2 पुट करोगे तो 1/4 बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0.25। यानी कि जीरो के करीब करीब आप जाते जाएंगे, जीरो के करीब जाते जाएंगे, लेकिन नेगेटिव आंसर आपको नहीं मिलेगा। समझ रही बात ओके चलिए एफ ऑफ एक्स में ओके एफ ऑफ एक्स में एक्स किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो आंसर है वो आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं देता हुआ। ओके ओके चाहे वो अगर चाहे वो 5 की पावर -x होना हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/5 x, तो नेगेटिव साइन तो गया ना यहाँ से, तो आंसर आपको मिलेगा मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। नेगेटिव किस सूरत में मिल सकता है, नेगेटिव y कब मिलेगा, अगर नेगेटिव आप शुरू में मल्टीप्लाई करवा दो, अगर 5 की पावर x है या -7 की पावर x है, नेगेटिव अगर कॉन्स्टेंट आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है, या अगर आपने 5 की पावर x -1 कर दी है, ये जो -1 आपने किया जो ये क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने किसी कॉन्स्टेंट नंबर को माइनस किया है, तो जबकि कॉन्स्टेंट नंबर को माइनस किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो वो क्या करता है कि ग्राफ को 1 टाइम डाउनवर्ड ट्रांसलेट कर देता है। तो इस ट्रांसलेशन की वजह से, इस ट्रांसलेशन की वजह से ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का ये नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपली इस टर्म की ग्राफ देखें 5 की पावर x का, या वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करने से ग्राफ की ट्रांसलेशन हो सकती है, लेकिन इटसेल्फ जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है वो उसका आंसर कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलता, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। तो हाँ अगर तो एफ ऑफ एक्स की टर्म क्या हो, ए टू द पावर एक्स, ए अगर क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो तब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास माइनस ए की पावर एक्स आ जाए, ठीक है, या आप ये कह लें कि ए लेस देन ए की पावर एक्स हो और ए लेस देन जीरो हो, देन हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। ओके सर, बेसिकली ए लेस देन जीरो तो क्या हम बोलते हैं नेगेटिव वैल्यू -2x -3x -4x, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है, तो फिर वो ग्राफ जो होता है वो इस तरह से अपवर्ड नहीं जाता बल्कि वो डाउनवर्ड आ जाएगा, ग्राफ इस तरह से डिक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि आंसर सारे नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएंगे ना आपको, तो फिर नेगेटिव वाई की तरफ आ जाओगे आप, ठीक है। जैसे ये ब्लू वाले के पीछे नेगेटिव की तरफ गई हुई है लाइन, ये नेगेटिव इस तरह नहीं, द थिंग इज दैट के जब आप ये देखो, नहीं बात आप समझे नहीं कि मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास लेट्स से ये एक एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ अगर मैं बनाऊं, लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 की पावर x, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, ये चीज अपवर्ड नहीं जाएगा डाउनवर्ड आएगा,
क्योंकि इसमें आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो -2 की पावर 0 डेट वुड बी -1, -2 की पावर 1 डेट वुड बी -2, -2 की पावर 2 -4, तो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे नीचे नेगेटिव होंगे, तो वो ग्राफ आपका डाउनवर्ड आएगा बजाय ये जो ग्रीन जो है ये अपवर्ड जा रहा था क्योंकि +2x था, लेकिन ये -2 की पावर x है तो उसकी वजह से ग्राफ आपका डाउनवर्ड आ जाता होता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसको आप कहते हैं कि ये ग्राफ जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और ये ग्राफ जो है हमारा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है ग्रीन वाला जो है। ठीक है जी सर, ओके ओके। और इनकी जो डोमेन होती है वो भी अब याद रखना कि इसकी डोमेन हमेशा हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है अगर एफ ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स है और एक आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, तो इनकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी। ठीक है, और जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी 0 से पॉजिटिव इनफिनिटी। वो क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव है ए की पावर एक्स है पॉजिटिव है तो वो जो फंक्शन है वो हमेशा एक्स एक्सिस से अबव रहता, बिलो नहीं जाता, तो वो हमारे पास 0 को अप्रोच तो करेगा लेकिन 0 से अबव ही रहेगा। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पॉजिटिव इनफिनिटी होती है लेकिन 0 ओपन इंटरवल के साथ होता है, एग्जैक्ट 0 नहीं मिल रहा होता आपको, क्योंकि जब भी a की पावर x लिखा होगा तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा, जब x की जगह पे आप पुट करें तो आपको आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो रेंज इसकी हमेशा क्या होगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की होगी। ठीक है, और इसकी ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो ग्राफ है नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वहां पे वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर दे, लेकिन ये करते नहीं क्योंकि वो 0 होता ही नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यानी कि जो वाई है वो 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि जब आपका एक्स अप्रोच करता है नेगेटिव इन्फिनिटी को तो वाई किसको अप्रोच करता है, इसमें 0 को अप्रोच करता है। ये देखो कि जब जैसे जैसे आप इस 2 की पावर एक्स में नेगेटिव एक्स से देखो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो जो इसकी हाइट है वो ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगी वाई इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे वही चीज लिखी है कि as x approaches to infinity y will approach to 0। जी सर, और जो फंक्शन होता है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, और इसमें जब x पॉजिटिव इनफिनिटी को अप्रोच करता है तो y किसको अप्रोच करेगा, वो भी पॉजिटिव इनफिनिटी को ही अप्रोच कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप राइट साइड पे जाएं, ये देखो जैसे जैसे आप ग्राफ में राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये वाला ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, यानी कि अगर आप एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा तो इसकी हाइट भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर देगी, यानी कि वाई विल अप्रोच टू इन्फिनिटी एज वेल। ठीक है जी सर, तो जब जब नेगेटिव आ जाएगा तो डोमेन तो इस केस में भी सेम ही रहेगी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन जो रेंज है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी, क्योंकि इस ग्राफ को देखें अगर नेगेटिव करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ना, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ये पूरा कवर कर रहा है तो एक्स एक्सिस तो आपको मिलनी थी डोमेन, तो डोमेन तो पूरी की पूरी क्या होगी इसकी रियल नंबर ही होगी। ठीक है, चाहे कर्व ऊपर को जाए या कर्व नीचे को आए एक्स एक्सिस तो पूरा कवर हो रहा है तो डोमेन तो सेम रही, लेकिन रेंज में ये जो है पॉजिटिव वैल्यूज को कवर नहीं कर रहा, जस्ट नेगेटिव वैल्यूज कवर हो रही है, तो हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी फिर सिर्फ 0 तक होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक होगी। तो यहाँ पे वही चीज हमने लिख दी, और इसमें भी जो वाई है
जीरो को अप्रोच नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब एक्स अप्रोच करता है नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो देन वाई जो है जब जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है, और लेकिन जब एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो देन इसका वाई अगेन से अप्रोच तो करता है लेकिन किसको, नेगेटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा होता है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा होता है बेसिकली वहां पे डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है जी। जी सर, सर आपकी आवाज कट रही। ओके बच्चे, ओके एक सेकंड। सर मुझे ये बताएं, लास्ट जो है हमारे पास कि अगर एक फंक्शन लिखता हूं मैं 2x² - 3x + 1 और इनमें से मुझे बताओ, अगर इनको मैं नंबरिंग दे दूं, तो लेट्स से ये 1 है, तो इनमें से बताओ कौन कौन सा एलजेब्रिक है और कौन कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लास में जी सर है, क्लास में शराब बताओ आप, इन 6 में से कौन कौन से एलजेब्रिक है और कौन कौन से एक्सपोनेंशियल है। सुन रहे हो तो की रहा है मुझसे क्लास में कि नहीं। जी सर, तो की क्लास में है, तो की सर मैं तो की ही बात कर रहा हूँ, मुस्तनसर है नहीं क्लास। ओके ओके ओके, मुस्तनसर नहीं है। हाँ मुस्तनसर नहीं है, ओके मुस्तनसर नहीं है, ओके। तो कि इनमें से बताओ फिर, इनमें से कौन कौन से एक्सपोनेंशियल और कौन कौन से अलजेब्रिक है। सर सोर्स करके बता दें कैसे। नहीं देख के बताना बस, इनमें से कुछ मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखे हैं और कुछ मैंने वो लिखे हैं अलजेब्रिक। ये सेकंड वाला है एक्सपोनेंशियल, और ये थर्ड वाला सर अलजेब्रिक लग रहा है, ठीक है, और फोर्थ वाला सर, ये फोर्थ वाला भी सर ये एक्सपोनेंशियल लग रहा है सर। और फाइव सर, ये फाइव वाला भी एक्सपोनेंशियल है, और सिक्स वाला बताओ अलजेब्रिक क्यों लग रहा है आपको। नहीं सर, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ठीक है, 1 - 2 4 पावर 2, ठीक है, इसलिए एक्सपोनेंशियल है पहले उसकी। 4 की पावर क्या बोला वहाँ पर, लिखी क्यूब सर।
आगे उसके ऊपर आगे गया वन माइनस टू नहीं नहीं वन नहीं है एक्स है वो सही मन लग रहा है सर अब चलिए आप बता दें क्या अलजेब्रिक है कि एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने अभी एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन रिपीट करो जरा आपने कहा था कि वो जो नेगेटिव ना हो और रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज करे मैथमेटिकल भी जो डेफिनेशन बताई है ना वो तो ग्राफिकली थी ना मैथमेटिकल भी तो मैंने बताई थी मैथमेटिकली मैंने बताया था कि एक में बेस वेरिएबल होती है और एक में हमारे पास बेस रियल नंबर होती है उसकी बेस पे बेस और पावर देखनी होती है कौन के एक में पावर वेरिएबल होती है और एक में पावर आपको रियल नंबर होती है जैसे सर इसमें रियल नंबर भी है और वेरिएबल भी है सर हाँ वही फर्क बताओ ना फिर इसमें एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने बताया था कि जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल होता है तो सर ये अलजेब्रिक है कि एक्सपोनेंशियल है फिफ्थ वाला एक्सपोनेंशियल है क्योंकि इसकी पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन की जो पावर है जिन फंक्शन की पावर वेरिएबल हो वो एक्सपोनेंशियल होते हैं और जिन फंक्शन की बेस वेरिएबल हो वो अलजेब्रिक होते हैं सिर्फ पावर और बेस देखनी है जी सर ये मैंने बुक का लिख दिया उस बुक में एग्जांपल्स भी दी हुई है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको रीड करना और उनके ग्राफ बनाने ठीक है सर ये जो आपने वन स्टैक वाले बुक दी हुई है इसमें सारे क्वेश्चंस हैं हाँ सर उसमें मैं स्लोप ऑफ लाइन के क्वेश्चन ढूंढ रहा था मुझे एक भी नहीं मिला इसमें से सर नहीं है इसके अंदर सर आप मुझे पेज बता सकते हैं कहाँ पे मिलेंगे मैं अभी देख के बता देता हूँ जी सर काइंडली बता दें ओपन स्टैक्स की बुक ओपन कर ली हमने और ये होगा लीनियर फंक्शन वाले चैप्टर में लीनियर फंक्शन वाला चैप्टर पूरा ही वही है सर ये पेज पूछ रहा हूँ कौन सा पेज पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज मुझे देखना पड़ेगा पेपर नंबर टू का पेज नंबर है 125 ओके सर मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे मिले नहीं कहीं से मैं बट मैं नेट से निकाल के नहीं इसके अंदर है ना इसके अंदर है सारे और इसके अलावा आप वहां से भी देख लिया करो जो लेक्चर नोट्स मैंने अपलोड किए हैं पोर्टल के ऊपर आज का इतना ही हमारा इतना ही हम करेंगे अब आप चाहे तो डेफ कर सकते हो सर आपको पता है मिट कब होने हो रहे हैं हमारे
इसका बताओ। हाँ 17 तारीख को, हाँ 17 तारीख को शुरू हो रहे हैं, 17 मई को, ईद के फौरन बाद, रमजान में नहीं है सर ये ईद। पहला पेपर किस चीज का हो? वो अभी नहीं पता, वो अभी डेट शीट नहीं आई। आंसर अभी है कुछ गलत।